नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राशन अनुसूची। दोस्तों बात करेंगे, अद्विवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023, तो इसका गणित का पेपर है, कक्षा 8वीं का है, पूर्णांक 50 नंबर है और 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका एग्जाम हो चुका पेपर को मिलान कर सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे आंसर शीट से, तो आपको बताने हो तो पहला क्वेश्चन 6 की घात 3 का मान है, तो पहला क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, यानी कि 216 इसका क्या आएगा राइट आंसर होगा। उसके बाद में आता है दूसरा ax+3x की घात 2 गुणन फल दे रहा है यहाँ पे, तो इसका होगा ए ऑप्शन 12x। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 4 की घात -3 में आधार है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा पे ए ऑप्शन, इसका भी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर की बात करें तो इसमें आएगा आंसर 4 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं आगे दूसरे का, पहला पंचभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 540, ठीक है। उसके बाद में आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, a+b = b+a गुणधर्म का नाम क्या है क्रम विनिमेय। नेक्स्ट आता है रुपये 120 का 20% होता है, कितना होता है 24। और जो उसके बाद में है बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। नेक्स्ट बात करते हैं तीन नंबर, गुणधर्म का नाम बताना है यहाँ पे कि कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा साचर्य गुणधर्म, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है एक संभव के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप क्या होगी यदि उसमें 9 भुजाएं हो, तो इसे होगा 24 डिग्री। 5 क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 4489 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसका दोस्तों आंसर होगा 67, निकाल के देख लेना 67 ही आएगा। उसके बाद यदि सम चतुर्भुज का विकर्ण 7.5 सेमी और 12 सेमी तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो 6 क्वेश्चन में आंसर होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बात करते हैं 7 नंबर, ऐसी का 2+xy+8x+8y की गुणनखंड ज्ञात करना होगा, तो जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा यहाँ पे कोष्टक x+8 और x+y, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद में बात करते हैं पे आगे 8 नंबर, ये है इसका आपको क्या करना होगा पे भाग देना होगा। और जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आएगा पे m = 8 है, 8 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर, इसका गुणनफल ज्ञात करना होगा, तो 10 नंबर के अंदर आएगा x = 5 आंसर आएगा इसका। कैसे आंसर आ रहा है ये आप इसको निकाल के कर सकते हैं। अब इसको कैसे निकालोगे, पहले इसको तोड़ना होगा, यानी कि आपको समीकरण बनाना होगा 7x² + 48xy - 7y² ऐसे समीकरण बनाएंगे, तो इसको तोड़ेंगे 2x - 1 = 14 - x हो गया, और ये हो गया आपका 2x + x = 14 + 1, तो ये कितना हो गया 3x + 3x = 15 हो गया, तो x = कितना हो गया 15/3, तो x = कितना हो गया 5, ऐसे हल करना होगा इसको। उसके बाद में 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होते हैं जितने की पंक्तियों की संख्या हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें आएगी टोटल 45। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, आंसर 45 आएगा इसका, निकाल के देख लेना। 12 नंबर क्वेश्चन, एक घनाभ की विभाई 60 सेमी, यानी कि विमाई है 60 सेमी इंटू मल्टीप्लाई 54 सेमी और मल्टीप्लाई यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन खींचे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। 12 क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे 450। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, तो उतनी वस्तुएं 44 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। 13 नंबर में 49 यानी कि 49। 14 नंबर है 2x - 1 = 14 - x, समीकरण को हल की जांच से ज्ञात करना होगा, और इसके अंदर अथवा दे रखा है, ठीक है, दोनों में से आपको क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पे एक सवाल को क्या करना होगा यहाँ पे हल करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये जो आपकी है इसका आंसर होगा x = 5, ठीक है, इसका x = 5 आएगा। और जो मैंने 10 नंबर का जो क्वेश्चन बताया था आपको जी वाला, इसको क्या करना था गुणनफल ही ज्ञात करना था, नहीं तो इसका आएगा 7x² -
सॉरी प्लस 48 XY और -7Y2, बस इतना ही आंसर आने वाला है इसका। ध्यान रखना, सातवें क्वेश्चन का यही आंसर रहेगा, मैंने इसका आंसर बता दिया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अथोमिक दे रखा है इसका, दोनों में से आप एक कर सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर में दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कर सकते हैं इसका, और साथ साथ जो अथोमिक दे रखा है इसकी आपकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना हो जिसका क्षेत्रफल 443 मीटर स्क्वायर है। तो अथवा वाला आपको बता देता हूँ, अथवा वाले में आएगा 21 मीटर, आंसर होगा 21 मीटर, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर 441 मीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर कितना होगा, अंडरूट 441 हो गया, तो 441 किसका है, 21 का है, तो भुजा बराबर 21 आएगा। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दे रखे 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें रुपये आएंगे टोटल 2646 रुपये, ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे तो 2646 आएंगे। उसके बाद में अथोमिक दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। 17 नंबर बात करते हैं पे, एक पाई चार्ट खींचिए जो व्यक्तियों द्वारा दिए गए रंगों को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है, और जो अथवा में भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो अथवा वाला मैं आपको बताता हूँ कि अथवा वाला कैसे हल करेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है इसके हिसाब से हल करेंगे, आपको ऐसे कलर जेड बराबर कितना होगा, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, जेड बराबर 30 डिग्री हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये 70 है, और ये एक्स वाई होगी, पी होगी, तो ये एक्स बराबर 30 हो गया, जेड बराबर 30 होगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया 110, ठीक है, और वाई बराबर कितना हो गया 40। तो तीनों का मान आ चुका है, यहाँ पे निकाल सकते हैं आप खुद भी। तो ये पेपर दोस्तों आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।